नमस्कार, मैं अपराजित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कई प्रोटोकॉल जारी किया हुआ था, कई चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया था। और आज 5 फरवरी को सरस्वती पूजा है, इसको देखते हुए किस तरीके से पटना में सरस्वती पूजा मना रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। आज सरस्वती पूजा है बाबा, आप किस तरीके से यहाँ पे मना रहे हैं, क्या अब शुभ मुहूर्त है इसका? इसका सरस्वती माता का पूजन का शुभ मुहूर्त है 9 बजे से लेकर 11:20 तक का है। कोरोना महामारी को लेकर क्या किस तरीके से तैयारियां चल रही है, क्या पिछले साल हर साल की तरह यहाँ से मनाया जा रहा है? ना, पिछले साल की तरह तो नहीं मन रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नियंत्रण रख कर मनाया जा रहा है इसमें कोरोना काल को देखते हुए। तो कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनाया जा रहा है। आप यहाँ पे मना रहे हैं सरस्वती पूजा, तो क्या क्या यहाँ पे किस तरीके से मना रहे हैं? सारा कुछ देख रेख करके मनाई जा रही है, कोरोना को देखते हुए मनाई जा रही है, और लास्ट ईयर जैसे मनाई गई थी वैसे नहीं मनाई जा रही है, सब कुछ को देखते हुए मनाई जा रही है। सरस्वती पूजा में किस तरीके से सामग्री का यूज किया जाता है, क्या क्या सामग्रियों का यूज इस्तेमाल किया जाता है, बाबा कुछ बताएंगे? इसमें देखिए, माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए लाल अड़हुल का फूल, अक्षते, रोड़ी, सिंदूर, और माँ का प्रिय जो भोग है सो अनार होता है। इसके बाद 5 प्रकार का फल है, माता को पंचामृत वगैरह का भोग भी लगाया जाता है, और माँ की आराधना जैसे नवरात्रि में किया जाता है, ये गुप्त नवरात्रि है, इस प्रकार से माँ की आराधना गुप्त नवरात्रि की तरह से यहाँ पर माँ की आराधना की जाती है, विद्यादात्री की आराधना की जाती है। माना जाता है कि आज के दिन कॉपी किताब की पूजा की जाती है, विद्यार्थी माता जी के पास, सरस्वती माता के पास कॉपी किताब माने, तो इस पे आप क्या क्या मान्यता है इसको लेकर? माँ जो है सो जब तक ले किसी चीज़ का नियम नहीं बनता है तब तक ले उसका निर्धारण नहीं किया जाता है, तो जब तक ले लिखित नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ का एक समय निर्धारित किया जाता है, उसी लिए कॉपी कलम का पूजा किया जाता है। और माँ वीणा दात्री जो है उसमें सब निर्धारित कर देती हैं, उस अनुसार से अगर विद्यार्थी अगर चलते हैं तो उनको विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरस्वती माता का मूर्ति स्थापित किया गया है, अभी पूजा शुरू नहीं हुई है, पूजा शुरुआत होगी तो पर्दा हटेगा और हम दर्शन होगी सरस्वती जी का। तो आपने देखा कि पटना में लोग कैसे सरस्वती पूजा मना रहे हैं, हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सारी तैयारियां हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।